Thank you. तो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अनदर व्लॉग। और आज है संडे का दिन, डेट है एक सेकेंड, डेट है 27th of August एंड ये है नया वीडियो जिसमें मैं जो नई चीज़ें अब मैं इस न्यू वीक से स्टार्ट करने वाला हूँ जो कि अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो स्टार्टिंग विथ मैं पहले तो इंस्टाग्राम पर एक नया फॉर्मेट लाऊँगा जिसमें मैं वर्किंग आउट इन अ हुडी फॉर 30 days करने वाला हूँ। तो जिसमें मैं रोज़ अपना वर्कआउट प्लान जो है उसको 30 days तक रोज़ दिखाऊंगा कि मैं चेस्ट के लिए क्या कर रहा हूँ, बैक के लिए क्या कर रहा हूँ, ऐसा करके। देन द चेंजेस वी आर ब्रिंगिंग कि अब से पुश पुल लेग्स फॉलो होगा, मतलब पुश पुल लेग्स इन द सेंस कि चेस्ट एंड ट्राइसेप्स ऑन मंडे, बैक बाइसेप्स, देन शोल्डर्स एंड लेग्स, ऐसे ये 3 दिन, फिर उसके बाद वापस से रिपीट मैं ये करने वाला हूँ। तो ये सारी अपडेट्स मुझे आपको देनी थी। एंड जो मैं अपना वर्कआउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद जो कार्डियो करता हूँ 50 मिनट्स की ट्रेडमिल वॉक, वो तो मैं करूँगा ही, उसके साथ साथ अब मैं क्योंकि 1:30 AM तक मैं फ्री होता हूँ काम से, तो आई एम थिंकिंग कि उसके बाद या तो 30 मिनट्स ऑफ रनिंग या 30 मिनट्स ऑफ वॉक भी मैं अपने कार्डियो में इंक्लूड करूँ, क्योंकि मुझे इस एक मंथ में काफ़ी अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। तो उसके साथ साथ जो मैं रेगुलर डेली जो सिंगल डाइट जो मैं लूँगा वो मैं आपको दिखाऊँगा जल्द ही, मे बी अगले 3-4 दिनों वाले व्लॉग्स में, एंड दैट वुड बी इट। तो इन्जॉय करिए इस ब्लॉग को और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। कमेंट करिए अगर आपको कुछ अच्छा लगता है, कमेंट करिए अगर आपके पास कुछ टिप्स हैं एंड जहाँ मैं कुछ इम्प्रूव कर सकता हूँ या कुछ। सो दैट इज़ मोस्ट ऑफ इट एंड लेट्स गेट ऑन विद द ब्लॉग। हाय गाइस एंड गुड मॉर्निंग। तो अभी मैंने अपने ओवरनाइट ओट्स जो मैं जनरली रखता हूँ, वो वैसे तो ओवरनाइट ओट्स बनने में 2 ही घंटे लगते हैं, तो जो कि मैं 1 o'clock मेरे को जिम जाना है दोपहर में, तो मैंने अभी उनको फ्रिज में रख दिया है अपना पूरा मिक्स विक्स करके। बाकी अब मैं अभी उठाऊँ, ब्रश व्रश वगैरह करता हूँ, उसके बाद आपसे थोड़ी बातें करता हूँ, ठीक है, बाय। अभी एक बार आपको मैं अपनी कंडीशन भी दिखा देता हूँ जो अभी है मेरी बॉडी कंडीशन। एंड क्योंकि मैं अभी इंस्टाग्राम पे वो कर रहा हूँ वर्किंग आउट इन हेडी फॉर 30 डेज चैलेंज, तो इसके बाद नहीं दिखाऊंगा, वो मैं रखना चाहता हूँ कि 30 डेज में कितना ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ खुद को। बाकी सुबह सुबह भगवान के भजन चल रहे हैं, आप सुन ही रहे हो, तो फटाफट से दिखाता हूँ। तो भाई ये कंडीशन है इस टाइम की, है ना, ये अभी इस टाइम की कंडीशन है। और हम चाहते हैं कि 30 डेज में इसको अच्छे से अच्छा ट्रांसफॉर्म कर दें, ये साइड चले जाएं, चेस्ट फैट जो है वो चला जाए। तो उसके लिए पूरी मेहनत करेंगे, प्रॉपर एकदम डाइट पे रहेंगे अपन अभी नेक्स्ट 3 डेज तो नहीं, 1 तारीख से, क्योंकि भाई सैलरी आने की भी दिक्कत होती है अभी तो, ठीक है। तो चलते हैं अभी, ब्रश वगैरह करना है मेरे। ये मेरा रोज़ का रूटीन नहीं है, बट अब इसको मैं रोज़ अपने रूटीन में ऐड कर रहा हूँ। तो जनरली मैं अब मॉर्निंग में उठने के बाद अपना ओट्स वगैरह बनाने के बाद मैं अपनी एक जनरल लिखूँगा लैपटॉप पे, मैं नोशन यूज़ करता हूँ जनरली, उसका मेरे को इंटरफेस पसंद है, थोड़ा सा इंटरेक्टिव इंटरफेस है, थोड़ा सा यू नो इंटरेस्टिंग है, तो वैसा। तो मैं इस पर अपनी जर्नल लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ आज से, जिसमें मैं अपने पॉजिटिव अफर्मेशंस डाल सकूं एंड लेटर ऑन, मतलब उसको मैं कैसे बताऊं आपको, इट्स जस्ट काइंड ऑफ मैनिफेस्टिंग। तो मतलब मैं कभी इन सब चीज़ों में मानता नहीं जनरली, बट
मैंने एक बार सोचा कि अगर करके देख लेंगे तो कोई बुराई भी नहीं है, तो आज से मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। एंड इसके अंदर क्या लिख रहा हूँ वो तो मैं आपको नहीं बता सकता, बट मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि अगर मेरे को लगता है कि ये काम करता है तो मैं ज़रूर आपको रिकमेंड करूँगा। इसके बाद पहले मैं ट्राई करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। First would sit down and let their body relax, totally relax. Okay. And then start to visualize in their mind. See themselves the way they want to see themselves. How you'd like to live your life. See yourself living it that way. Okay. Now understand that that's a picture in your mind. Take that picture and describe it. Write it out in the present tense. I am so happy now that I see myself, and write it out. Start to read it and read it. And read it and read it every day. Carry it around and keep reading it. The one point that all the great teachers all down through history have all agreed on, they've been in complete unanimous agreement on it, we become what we think about. Now it may be fantasy at first, it might even appear to us as being a lie, but if you read it often enough, you'll start to believe it. और ये जर्नल लिखने के बाद मैं पढ़ूंगा, कांट हर्ट मी, थोड़ी देर के लिए, अराउंड 30 to 45 मिनट्स, मतलब डिपेंड करता है, क्योंकि एक बार मैं अगर इसमें थोड़ा सा ऐसा बह जाता हूँ तो मैं कोई भी बुक को पढ़ता चला जाता हूँ। तो ये सीन है। एंड उसके बाद फिर हम करेंगे अपने जिम की तैयारी। तो सीधे मैं अब आपको जिम पे मिलूँगा। ठीक है, बाय। तो भाई तुम ये ना बाइक पे डस्ट देखो कितनी चढ़ जाती है अगर इधर खड़ी रहती है। वहाँ नीचे मेरी खुद की पार्किंग है, मेरे खुद की फ्लैट की, और वहाँ खड़ी रहती है तो इतनी डस्ट नहीं चढ़ती, पर अब देखो यहाँ कितनी डस्ट चढ़ी हुई है बाइक पे, ये देखो। कपड़ा ही गिर गया, कपड़ा मैंने वैसे उस स्कूटी से चुराया, चाबी नहीं मिलती मेरे को। तो अब ये न्यूट्रल में है तो इसका भी चलो जिम में मिलते हैं। ठीक है, तो भाई चेक करो ये पहना तुम्हारे भाई ने, ये ग्रे वाली हुडी डाली है क्योंकि आज से हो गया चैलेंज चालू वर्किंग आउट इन हुडी 30 डेज स्ट्रेट। इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो, वहां जाके देखना। ठीक है, अभी अभी मैं जिम आया हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं माइक लाना भूल गया हूँ, या फिर जो माइक जहाँ पे मैं रखता हूँ बैग में वो पॉकेट खुली हुई थी तो शायद मैंने माइक गिरा दिया था, तो घर जाके हमें पता चलेगा। तो आज के वीडियो में वर्कआउट के टाइम हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ वर्कआउट देखो। ठीक है, भाई हो गई दिक्कत एक कि मैंने अपना जो ट्राइपॉड के ऊपर जो अपना मोबाइल अटैच करने का वो होता है वही तोड़ दिया अभी। तो भाई मैंने ट्राइपॉड तो पैक कर दिया है, अब मैं जैसे थे फ़ोन को बॉटल के ऊपर टिका के यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों के लिए भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो देखते हैं कैसा होता है। ठीक है, feel
up with suspense. We've got our dreams, we must defend. And we know what we represent. So we'll keep fighting till the end. जब मैं बहुत अच्छे से मैं बहुत ज़्यादा ही अच्छे से चेस्ट ट्रेन कर लेता हूँ तो फिर मैं पुशअप्स नहीं कर पाता लास्ट वाले 3 सेट, वो मेरे को नीज पे जाके करने पड़ते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, चेस्ट में आना चाहिए। ठीक है, they can feel the storm, it's coming. They can hear the drum beat thumping. Off in the distance, we're the resistance. They gon' be the one who's running. They can feel the storm, it's coming. They can hear the drum beat thumping. Off in the distance, we're the resistance. They gon' be the one who's running. They can feel the storm, it's coming. They can hear the drum beat thumping. भाई बहुत ही तगड़ा चेस्ट और ट्राइसेप का वर्कआउट हो गया है। अब अपना बचा हुआ है 20 मिनट्स ऑफ इलेप्टिकल। ये देखो, ये जो इलेप्टिकल ही है, एंड देन 30 मिनट्स ऑफ ट्रेडमिल। ये करते हैं, घर निकलते हैं। बाय बाय। तो भाई इस पे दिखा रहा है कि ऑलमोस्ट 25 मिनट्स में मैं 300 कैलोरी बर्न कर रहा हूँ, ताकि मेरे पे एप्पल वॉच वगैरह कोई भी वॉच नहीं है। तो मेरे को ये ज़रूर बताना कि ये सही दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, कमेंट करके बताना। तो मतलब मैं तो इसको सही नहीं मानता हूँ, इससे अप्रॉक्सीमेटली हाफ कैलोरी बर्न हो रही है ऐसा करके मानता हूँ। बट अगर सही है तो बताना मेरे को, कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, बस यहाँ 20 मिनट करना था, 25 मिनट हो गए, मतलब ट्रेडमिल भी जा रहे हैं। पता है कभी कभी ना अपने अंदर इनफ मोटिवेशन नहीं होता, इनफ रेज नहीं होती सुबह सुबह उठ के या कुछ करने की, या फिर जो या डाइट लेने की या फिर जिम जाने की, कार्डियो करने की। वैसा तो मैंने कल वाला एक व्लॉग देखा यश आनंद भाई का, तो उसमें वो कह रहे थे कि जिम आने के पहले अगर तुम्हारे साथ ऐसा है ना, तो तुम कुछ चीज़ें सोच लो अपने दिमाग में जो तुम्हें पर्सनल लगी हो, जिससे तुम्हें हर्ट हुआ, तो उससे काफ़ी हेल्प होता है। और जब मैं आ रहा था उसके जस्ट पहले मैंने कांट हर्ट मी पढ़ी, उसका सेकंड चैप्टर पढ़ा, और उसमें वो बोल रहा था कि तुम लगाओ अपना क्या कहते हैं खुद को मिरर में, देखो अगर तुम फैट हो ना, तुम्हारी बॉडी में फैट है, अगर तुम शेप में नहीं हो, अच्छे शेप में नहीं हो, तो खुद को फैट ही बोलो, खुद को दिलासा मत दो कि मैं काम कर रहा हूँ खुद पे। जब तक तुम प्रॉपर नहीं हो जाते अपने शेप में, जो तुम्हारी ड्रीम फिजिक है, गोल फिजिक है, तब तक खुद को फैट ही बोलो, उससे तुम्हारा मेंटालिटी बनी रहेगी मेहनत करते रहने की, और रिजल्ट भी आएंगे शायद। तो सबसे पहले मैंने तो कल ये यश आनंद भाई की उसमें ब्लॉग में देखा था, उनको टैग कर रहा हूँ नीचे, अगर वो रिप्लाई कर दें तो मज़ा आ जाए। They can hear the drum beat thumping. Off in the distance, we're the resistance. They gon' be the one who's running. They can feel the storm, it's coming. They can hear the drum beat thumping. Off in the distance, we're the resistance. They gon' be the one who's running. They can feel the storm, it's coming. They can hear the drum beat thumping. भाई वर्कआउट ख़त्म, कार्डियो भी डन, अब जा रहे हैं चिकन लेने, फिर वहाँ से जाएंगे घर। आज खाने में बनवाई खिचड़ी बनने कुक से, वो खाएंगे, ऑफिस से काम करेंगे, ब्लॉग एडिट करेंगे और नई रील एडिट करेंगे। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट भी कर देना। ठीक है, बाय।